हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे आपके साथ शेयर करने के लिए कि किस तरीके से मैंने अपने LG G8X स्मार्टफोन को ख़रीदा। एक नहीं, दो स्मार्टफोन को ख़रीदा। बट यहाँ पर सैडली बताना ये पड़ रहा है कि मैंने दो स्मार्टफोन ख़रीदा, भले एक को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक का कोई ख़रीदार ही नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया। आखिर क्या वजह रही कैंसिल करने की, उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन कैसे मुझे दो स्मार्टफोन मिल गए, जबकि किसी किसी को तो एक भी नहीं मिल रहा था। किसी ने इसको स्कैम तक कह डाला, फेक सेल कह डाला, बट ये मुझे कैसे मिला, सारा चीज़ आपके सामने रिवील करूँगा। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिल रहा है, तो आप उसके जगह पर किस चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए। मैं यहां पर आपसे सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि क्या यह सेल आगे भी स्टार्ट रहने वाली है कि या सिर्फ जो दो दिन हो गया उसके बाद अब यह सेल नहीं आने वाली है, और सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द LG G8X की अनबॉक्सिंग वीडियो आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ऑन द वे है मेरा स्मार्टफोन, उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही जल्द आएगी आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि कैसे ये मुझे स्मार्टफोन मिला, और एक नहीं दो स्मार्टफोन मिला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैं जब मोबाइल को ऑर्डर लगाने बैठा था, तो मैं तीन डिवाइसेस को लेकर बैठा था, दो मोबाइल और एक लैपटॉप। तीनों से मैंने ऑर्डर करने की कोशिश की, और लक बाय चांस मेरा एक मोबाइल से ऑर्डर हुआ था और दूसरा लैपटॉप से ऑर्डर हुआ था। जो लैपटॉप वाला था वो कैश ऑन डिलीवरी लगा, और जो मोबाइल से मैंने किया उसको प्रीपेड ऑर्डर किया। तो यहाँ पर अब ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने लैपटॉप से ऑर्डर किया। एक्चुअली में मैंने गूगल क्रोम में एक एक्सटेंशन डाल रखा है जिसका नाम है फ्लिपशॉपी। उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बनाऊँगा। तो एक्सटेंशन मैंने इस पर डाल रखा था फ्लिपशॉपी का, तो वो क्या करता है कि हर पाँच सेकेंड में कोई भी फ्लैश सेल होती है तो उसमें वो स्कैन करता रहता है। जैसे ही 5 सेकेंड में अगर वो डिवाइस अवेलेबल होता है, तो ऑटोमेटिक ये सीधा सीधा उस वो पेमेंट पेज पर ले जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है फ्लिपशॉपी की। तो इस वजह से मैं एक डिवाइस को परचेस कर पाया, जो कि यहाँ पर था कैश ऑन डिलीवरी, और जो दूसरा था प्रीपेड। प्रीपेड करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सीधा सीधा जब आपको पता चले कि ये सेल इतने टाइम होने वाली है, तो आप एक काम किया कीजिए, आप एक बार दो बार नहीं, आप कम से कम 50-100 बार अगर आपको स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप 1000-2000 बार चाहे तो रिफ्रेश करिए अपने पेज को, बैक करिए, फिर उसके बाद उसी पेज पर आइए, बैक करिए उसी पेज पर आइए, तब जाकर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद जैसे ही बाय नाउ का ऑप्शन आए, जो भी पेमेंट मेथड आपको मिले उस पर फटाफट से क्लिक कर डालिए। अब ये नहीं कि अगर SBI का आ रहा है तो SBI पे ही करूं। मैं आपको बताऊं अपनी बात, तो मेरे पास लगभग 15 बार मेरे कार्ट में मोबाइल आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ SBI कार्ड से पेमेंट करने के चक्कर में मैंने 15 बार छोड़ दिया, और मुझे 2 बार जाकर स्मार्टफोन मिल गया। एक प्रीपेड जो मैंने अपने फोनपे से पेमेंट किया था, और दूसरा कैश ऑन डिलीवरी जो स्मार्टफोन मेरे पास आ रहा है। तो अब मैं बताता हूं कि मैंने एक स्मार्टफोन को कैंसिल कर क्यों किया जो प्रीपेड वाला था। एक्चुअली मैं एक स्मार्टफोन का गिव अवे करने वाला था, जो कि था यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी वाला। बट किस्मत ये काम कर गई कि जो कैश ऑन डिलीवरी वाला था वो पहले चल दिया, यानी कि वो पहले शिप हो गया, और जो प्रीपेड वाला था वो अभी तक शिप ही नहीं हुआ था। तो आज सुबह ही मैंने उसको कैंसिल कर दिया है, और जो पूरे के पूरे पैसे थे वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए, यानी कि जो फ़ोनपे से मैंने पेमेंट किया था वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो जो कैश ऑन डिलीवरी वाला है वो अभी स्मार्टफोन ऑन द वे है, और जो मैंने प्रीपेड लगाया था वो स्मार्टफोन कैंसिल कर दिया। तो इस वजह से मैंने उसका गिव अवे नहीं किया। अब मैंने 2-3 लोगों को अप्रोच भी किया, बट उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। मैं समझ सकता हूं आपकी बातों को, तो इसलिए मैंने उस स्मार्टफोन को कैंसिल कर दिया। मैं ये चाहता था कि किसी को स्मार्टफोन मिल जाए, बट मिला नहीं। और अब जब मैं इसकी प्राइस को चेक कर रहा था, तो वो मुझे 22,000 रुपये दिखा रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ है, हो सकता है हाई डिमांड के चक्कर में। और हाँ, हाई डिमांड से याद आया दोस्तों, LG ने तो रिकॉर्ड ही कर दिया है। इस 2 दिनों के दौरान LG ने 350 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। 350 करोड़ का उनका रेवेन्यू हो गया है सिर्फ 2 दिनों में। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है LG के लिए। तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है वो ऑन द वे है, और इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही जल्द आएगी। अब यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कि LG ने बॉक्स में चार्जर नहीं दिया है, तो किस चार्जर से आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि आपको आपका जो LG है वो IP रेटिंग के साथ साथ वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और ये 21 वाट की वायर चार्जिंग और 9 वाट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा वायरलेस चार्जर है जो आपके स्मार्टफोन को चार्ज कर सकता है, तो आप उसको ज़रूर ट्राई
कीजिए। एक्चुअली में मेरे पास ये है यहाँ पर, ये है रेजर का एक वायरलेस चार्जर जिसको मैंने परचेस किया था लगभग 1400-1500 रुपये में। तो ये अभी तो सेल का मौसम चल रहा है, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप हो सके तो किसी वायरलेस चार्जर को परचेस कर लीजिए, या इसकी अगर आपको इसी को परचेस करना है, ये 10 वाट का चार्जर है तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों एलजी ने ये तो बता दिया है कि आप वायर चार्जर को जाकर हमारे सर्विस सेंटर से परचेस कर सकते हैं, बट मैंने इलाहाबाद में, मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, तो मैंने जितने भी सर्विस सेंटर को पता किया वहाँ पर कोई भी वायर चार्जर अभी अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वायर चार्जर अवेलेबल नहीं होता है, मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई वायरलेस चार्जर खरीद लीजिए, जैसे कि ये है 10 वाट का, एलजी एक्चुअली में 9 वाट का सपोर्ट करता है, तो आराम से आपका काम चल जाएगा जब तक आपके पास वायर चार्जर नहीं आता है। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि जिन लोगों को LG G8X स्मार्टफोन नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको वेट करना चाहिए या किसी और स्मार्टफोन को परचेस कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है। तो मैं आपसे कोशिश करूँगा, मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर 2000 रुपये और एक्स्ट्रा बढ़ भी गए हैं तब भी आपको यहाँ पर कोई भी घाटा नहीं लग रहा है। बट यहाँ पर अगर आपको LG का ये स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप वेट करते रहिए, क्योंकि किसी एक ट्विटर पर को रिप्लाई दिया था, वहाँ पर बताया था कि ये जो सेल है वो 16 से लेकर 21 तक चलने वाली है। तो आराम से ये स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी प्राइस बढ़ गई है और ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा, बट जैसे ही मिले आप इसको परचेस कर लीजिए, इसका वेट मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इतना ही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था, और एक्चुअली में मेरा स्मार्टफोन आ रहा है तो इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो तो आपको ज़रूर मिलेगी, उसके ऊपर और काफ़ी सारे वीडियोस मिलेंगे। मैंने उसके लिए एक स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ऑर्डर कर दिया है, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब मेरे पास स्क्रीन प्रोटेक्टर आ जाएगा। तो और जब मेरे पास स्मार्टफोन आ जाएगा तो मैं आपको वायरलेस चार्जर से भी चार्ज करके दिखा दूंगा कि ये काम करता भी है कि नहीं। बाय द वे, अगर इसकी वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको परचेस करना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं आपको LG G8X की अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ साथ ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्लिपशॉपी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।